हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो वी ट्वेंटी नाइन प्रो फ़ोन है, तो वीवो वी ट्वेंटी नाइन प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो वी ट्वेंटी नाइन प्रो फ़ोन में, और कैसे अपने फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। फिर हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको सर्च करना है। तो आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं आ रहा सर्च करके, तो बैक करना है, बैक करके स्लाइड कर लेना है। फिर आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी पे जाना है, तो शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। फिर आपको एक्सेसिबिलिटी पे जाना है और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू। तो इसको आपको ऑन करना होगा इस तरीके से, और ऑन करके आप इसके ज़रिए पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली इस पे जाना है, इस पे जाकर आपको पावर आइकन्स पे क्लिक करना है, जहाँ से आप फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करते ही जो आपका फ़ोन है ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है। और पावर ऑफ़ करना चाहें तो पावर ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी कॉल के लिए इस पे टैप करना होगा, इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।